जैसे कि हम रोज एक नई बीमारी, एक नए इशू को उठाते हैं, और आज हमने एक बहुत ही अनोखा और इम्पोर्टेंट जरूरी टॉपिक उठाया है जिसका नाम है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जो प्लान्ड प्रेगनेंसी होती है वो क्या होती है, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। प्रेगनेंसी शादी के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होता है हर लड़की की ज़िंदगी में, और आजकल तो वैसे ही ज़माना है हर चीज़ प्लान करके की जाती है। तो प्लान्ड प्रेगनेंसी उसको बोला जाता है कि जब आप इस प्रेगनेंसी को करने के लिए, उसको कैरी ऑन करने के लिए, बाद में बेबी को बड़ा करने पालने के लिए रेडी हैं, उसको एक हम प्लान्ड प्रेगनेंसी कहते हैं। ताकि तुम्हें सब कुछ श्योर हो कि कब तुमने प्रेगनेंसी शुरू करना है, उसमें आपका कोई काम का नुकसान नहीं हो रहा, कोई आप और तरह की दवाइयाँ नहीं ले रहे, सब कुछ जब ठीक ठाक हो तो तब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। उसमें डेट्स की श्योरिटी होनी चाहिए, फॉलोअप कहाँ होना है, प्री प्रेगनेंसी किससे मिलना है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाए तो क्या एडवाइस चाहिए, कितने फॉलोअप चाहिए, वो सब मालूम होना चाहिए, इसलिए हम इसको प्लान्ड प्रेगनेंसी कहते हैं। तो ये एक तरह की फैमिली प्लानिंग हो गई। यस, फैमिली प्लानिंग, जब तुम अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड छोड़ के और एक प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो प्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाता है। मैम, प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग क्या होती है? अब जैसे कि प्लान कर ली आपने प्रेगनेंसी, पर हो सकता है उससे पहले आपको कुछ सलाह की जरूरत हो जो कि एक डॉक्टर आपको अच्छे से दे सकता है, तो वो उसमें सब आपका सिस्टम बॉडी के ठीक है कि नहीं, आपको ब्लड की कमी तो नहीं है, एनीमिया तो नहीं है, थायराइड ठीक से काम कर रहा है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, थैलेसीमिया के पेशेंट या कैरियर तो नहीं है आप, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और कोई बाय चांस आपको कोई ऐसी बीमारी है पहले से, मेडिकल डिसऑर्डर है, उसके लिए जाके दिखाना ज़रूरी है। और प्री प्रेगनेंसी क्या आपको एडवाइस चाहिए कि शुरू करने से, प्रेगनेंसी प्लान करने से 2-3 महीने पहले सब कुछ ऑप्टिमाइज करके फिर आप प्रेगनेंसी प्लान करें, उसको हम प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग कहते हैं। मतलब मेंटली तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, मतलब जो फिजिकल आस्पेक्ट जहाँ पे आता है जब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है तो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग आती है। तो मैम, क्यों ज़रूरी है कि काउंसलिंग ली जाए? देखो, जैसे किसी को थैलेसीमिया का कैरियर हो सकता है, कोई भी इंसान, चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर एक पार्टनर को थैलेसीमिया कैरियर है वो, तो दूसरे पार्टनर का थैलेसीमिया के लिए टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अगर दोनों में थैलेसीमिया का कैरियर रिस्क आ जाता है तो बच्चे को मेजर थैलेसीमिया मेजर होने का ज़्यादा चांसेस है, जिसमें उसको लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ये सब प्रॉब्लम रहेगी। तो ये एक आसान सा टेस्ट है जो कि हीमोग्लोबिन जब हम टेस्ट करते हैं उसके साथ एक सैंपल देके इसको चेक किया जा सकता है, 1-2 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाता है, तो देन यू आर श्योर। अगर नहीं भी कर पाए तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम इनिशियल वीक्स में ये टेस्ट हर किसी का करा लेते हैं। सेकेंडली, हमें पता होना चाहिए कि आपको कोई और मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है या ऑटोइम्यून डिजीजेज जो कि आप पहले से जिसके लिए दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो आपको कौन सी दवाई बंद करनी है, कौन सी कंटिन्यू करनी है। एपिलेप्सी की पेशेंट है कोई, उसको दवाइयाँ बंद नहीं करनी है, मतलब कईयों को ये होता है कि बच्चे में कोई खराबी ना आ जाए दवाई की कारण, तो बंद कर देते हैं पेशेंट अपने आप। फिर कोई हार्ट डिजीज है आपको सिम्टोमेटिक, अभी प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाते हैं पेशेंट हार्ट डिजीज के, तो वो एक डॉक्टर चेकअप कर लेगा, तो रूटीन चेकअप स्टेथोस्कोप से सुनने में पिकअप हो जाता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। ऐसे डायबिटीज है, कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर है, तो उसके लिए आना जरूरी है। और कई औरतों में तो होता है कि पहले बच्चे बार बार खराब हो रहे हैं, तो उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है, रादर देन कि एक प्रेगनेंसी और कर लो और फिर डॉक्टर से सलाह लेने आओ, तो प्रेगनेंसी से पहले दिखाने आओ, कारण ढूंढने की कोशिश हम करते हैं कि क्यों खराब हो रहे हैं बार बार बच्चे। हो सकता है कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिनको हम इनिशियली ही प्लान कर लें, कंट्रोल कर लें सब जो भी प्रॉब्लम है, तो फिर प्रेगनेंसी प्लान करें तो ठीक रहेगा प्रेगनेंसी आउट। काउंसलिंग ज़रूरी है ताकि एक हेल्दी बच्चे को जन्म दिया जाए, मतलब वो बीमारियों से फ्री हो, और जो भी माँ बाप को बीमारी है उससे फ्री हो और हेल्दी रहे और अच्छा रहे। हाँ, ताकि हेल्दी बेबी पैदा हो जिसको पालना भी आसान है और उसको भी डिजीज आगे ना हो कोई पॉसिबली। मैम, जैसे काउंसलिंग में डॉक्टर के पास, गायनी के पास जाना तो है ही ज़रूरी, और कुछ भी कंसर्न लोग हैं जिसके पास आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं? जैसे हमारे सोशल वर्कर्स होते हैं या PhD स्टूडेंट्स हैं या रेजिडेंट्स और जूनियर लेवल पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई थीसिस कर रहे हैं, तो उन सबका ये टॉपिक ही रहता है कि इस पे हमने इन्वेस्टिगेट करना है, रिसर्च करना है, तो उनके पास जा सकते हैं। जनरल बातें होती हैं इसमें, कोई आपको इंजेक्शन या कोई टेस्टिंग ज़रूरी नहीं है कि की जाए, हो सकता है बातों बातों में ही सब क्लियर हो जाए कि कब क्या करना है, वैसे कर सकते हैं। तो गायनी के डॉक्टर के पास तो आपको जाना ही है, इसके अलावा आप सोशल वर्कर्स के पास जा सकते हैं, जैसे मैम ने बताया जो रिसर्च स्कॉलर जिस पे काम कर रहे हैं उनके पास जा सकते हैं, सलाह भी ले सकते हैं उनकी। कई स्पेशलिस्ट भी होते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के लिए, जिनको बार बार जेनेटिक डिजीजेज हो रही हैं बच्चों में, तो उनके लिए जेनेटिक डिजीज काउंसलिंग के लिए एक स्पेशलिस्ट होते हैं, बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं या जेनेटिसिस्ट स्पेशल होते हैं, उनके पास जाके ताकि प्री प्रेगनेंसी मदर फादर इवेल्युएट हो जाए और फिर गो अहेड। मैम, जैसे आपने बहुत सारे डिजीजेस बताए हमें, हार्ट की प्रॉब्लम बताई, डायबिटीज हो जाती है किसी को, तो किन किन
लोगों को ये काउंसलिंग करानी बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी से पहले? देखो, एक तो एपिलेप्सी काफ़ी कॉमन डिजीज़ है, मदर को एपिलेप्सी है, कई बार तो वो शादी कर देते हैं बिना बताए, है ना, क्योंकि दवाई खा रहे हैं ये भी नहीं बताएंगे, तो वो डोज मिस कर देते हैं फिर अपनी जब प्रेगनेंसी ठहरती है, तो उसमें ये उनको शक रहता है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हालांकि जो डिजीज़ जिस ड्रग्स पे कंट्रोल्ड है वो वैसे की वैसे ही कंटिन्यू करनी है। आजकल जो ज़्यादातर दवाइयाँ वो सेफ हैं प्रेगनेंसी में, उसके साथ फॉलिक एसिड लेनी होती है ज़रूरी, वो पहले भी ले रहे होते हैं पेशेंट, अगर नहीं ले रहा तो कंटिन्यू कर ले दवाई के साथ तो ठीक रहेगा, बच्चे में चांसेस कम है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी बच्चे में चांसेस रहते हैं 3-4%, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर इतना रिस्क नहीं होता कि दवाई बंद कर दो अपनी, ताकि मदर को फिर से दौरे शुरू हो जाए, उसमें प्रेगनेंसी में फिर दिक्कत आ सकती है। सेकेंडली, डायबिटिक मदर है, अगर डायबिटीज से प्रेगनेंसी के इनिशियल वीक्स में, फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर अनकंट्रोल्ड शुगर्स हैं तो बच्चे में मेलफॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स रहते हैं, स्पाइन का हो गया, हेड में प्रॉब्लम आ गई या हार्ट डिजीज होगी, ऐसी खराबियां ना आए इसके लिए पहले से शुगर प्री प्रेगनेंसी कंट्रोल होनी चाहिए, इंसुलिन पे, दवाई पे, जिस पे भी है कंट्रोल करके वो टेस्ट करा के सब ठीक है फिर प्रेगनेंसी करें। ऐसे थायराइड का है, अगर थायराइड खराब है तो उसमें भी बार बार एबॉर्शन हो जाता है, या प्रेगनेंसी में अगर बहुत खराब थायराइड के साथ आप कंसीव करते हो, पहले तो इनफर्टिलिटी के चांसेस हाई हैं अगर हाइपोथायराइड हो, तो अगर हाइपोथायराइड कंट्रोल करके नहीं कर रहे हो तो बच्चे में भी क्रिटिनिज्म एक बीमारी है जो हो जाती है, बहुत ग्रॉसली खराब हो थायराइड, या फिर हाइपरथायराइड हो उसमें भी हाइपरटेंशन हो जाती है और दिक्कतें आती रहती है प्रेगनेंसी में, तो वो भी कंट्रोल होना चाहिए। ऐसे ही ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, SLE है, या जो भी रिमेटिक डिजीजेज और हैं, किडनी की प्रॉब्लम है, कोई ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, उन सबको दवाइयाँ ऑप्टिमाइज करके देन दे शुड गो हेड विद प्रेगनेंट। मैम, उसमें हार्ट का भी इंक्लूड होगा जैसे आपने बताया? हार्ट डिजीज के लिए जैसे पेशेंट आता है तो वो यूजली किसी को पेनिसिलिन प्रोफाइलेक्सिस पे होता है every 3 weeks, दैट इज ऑल्सो सेफ इन प्रेगनेंसी, तो वो भी कंटिन्यू करेंगे। किसी का वेल्व चेंज हुआ होता है प्री प्रेगनेंसी, उनको हम दवाई चेंज करनी होती है, जो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स खा रहे होते हैं वो चेंज करके हेपरिन पे डालते हैं जिससे बच्चों में खराबी ना आए, तो वो सब डॉक्टर की सलाह चेंज करके पहले फिर आप कंटिन्यू करें। मतलब इसमें डायबिटीज होगी, एक शुगर लेवल कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट डिजीज हो गए, थायराइड हो गया, एपिलेप्सी हो गई, तो बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर, मतलब जरूरी है अगर छोटा सा भी है आपको तो टेस्ट करवा लीजिए ताकि बच्चे में आगे प्रॉब्लम ना हो। कुछ पता है तो उसको ठीक कर सकते हैं, जो नहीं पता है वो डिटेक्ट हो जाएंगे प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में, तो टेस्ट करवा ही लेना चाहिए, मतलब कोई नुकसान तो है नहीं उसका, फायदा ही है। ब्लड ग्रुप भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, RH नेगेटिव अगर मदर है और मतलब हस्बैंड RH पॉजिटिव है तो उनको भी शुरू से ही हम ICT टेस्ट करते हैं ताकि बच्चे में ये प्रॉब्लम ना आए अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। तो अब हम जानते हैं जैसे प्रेगनेंसी से पहले लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आने चाहिए। हाँ, ये तो हमने मेडिकल डिसऑर्डर्स की बात करी, कई बार अपने आप को हेल्दी मान रहा होता है पेशेंट, ओबीज है, उनको लगता है कोई बात नहीं, वेट ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो प्री प्रेगनेंसी ओबेसिटी अगर कंट्रोल कर ली जाए एक्सरसाइज से, डाइट से, तो प्रेगनेंसी आउटकम बेटर हो जाता है, नहीं तो उसमें ब्लड प्रेशर हाई, शुगर खराब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, अगर आपका पहले सब नॉर्मल है तो प्रेगनेंसी में ये सब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फिर ऐसे ही है जैसे पेशेंट को बार बार एबॉर्शन हो रहे हैं 2nd-3rd month में, तो उनको भी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग हम कर सकते हैं कि अर्ली ही स्टिच चेक लगा सकते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर जाएगा बियॉन्ड दोज 4-5 months जिसमें हर बार एबॉर्ट हो जाते हैं। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में डाइट कंट्रोल हो गया, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो अपना उसमें भी डाइट कंट्रोल, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, एक्सरसाइज, ये सब हम उनको समझा सकते हैं। तो जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी ये प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग जरूरी है। कई बार ओबेसिटी की वजह से ही नहीं कर पा रहे होते हैं, सेकेंडली उनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी हो सकते हैं, ओबेसिटी है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो उनको थोड़ा हमें काउंसलिंग करना होता है कि ये आपके मिड साइकिल डेज आएंगे रादर देन एग्जैक्ट मिड साइकिल, थोड़े से आगे होते हैं वो जिन दिनों प्रेगनेंसी ठहरते हैं, तो ये भी काउंसलिंग का एक पार्ट है कि उसमें कंसीव कर जाएंगे इजिली और फालतू के टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन बच जाएंगे उनके। तो मैम, जैसे आपने बोला डाइट में चेंजेस होने चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो डाइट में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? डाइट आपको जंक फूड थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए जिससे कि मतलब HDL आपका लिपिड प्रोफाइल ना खराब हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में फिर से वेट गेन होने जा रहा है आपको, और डाइट में हेल्दी डाइट लें, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन शुरू कर लें, आयोडीन सप्लीमेंट वाला सॉल्ट लें जिससे बच्चे को भी हाइपोथायराइड या खुद को थायराइड की प्रॉब्लम ना हो। फॉलिक एसिड मार्केट में हर जगह टैबलेट मिलती है, 3 मंथ्स प्री प्रेगनेंसी हम एडवाइज करते हैं कि शुरू कर लो, तो उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कम होते हैं। फोर्टिफाइड फूड्स मिलते हैं, फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड फूड्स, यूजुअली फॉरेन कंट्रीज में तो सब फोर्टिफिकेशन होता है, मतलब एडिड होते हैं उसमें फूड्स जो आप लेते हो, तो एक्स्ट्रा लेने की नहीं भी जरूरत होती, पर हमारे यहाँ इनको जरूरत रहती है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या, कुछ ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से फ्रूट ज़्यादा खाने
करना चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्चने हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने लगे हो तो एक्स्ट्रा फ्रूट्स पे पैसे खर्चो, उसकी जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो घर में खाते हो वो खाओ, एक्स्ट्रा खाने से कुछ फायदा नहीं होता। फ्रूट्स में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, थोड़े फाइबर होते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स लोगे तो ठीक है, एक्स्ट्रा उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। मैम ये तो बात होगी डाइट की, अब एक्सरसाइज में क्या जरूरी है? एक्सरसाइज तो आपको अपना वेट ठीक रखना है जिससे आपको पीरियड्स टाइम पे आए और नॉर्मल ओवुलेटरी साइकिल्स हों जिससे आप प्रेगनेंसी ठीक टाइम से कंसीव कर जाओ अगर प्लान कर रहे हो, क्योंकि अगर नहीं कर पा रहे तब भी एक टेंशन के कारण भी उनको फिर से और कम हो जाता है कंसेप्शन रेट। मैम और योगा इसमें क्या रोल प्ले करती है? योगा कर सकते हैं सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, प्री प्रेगनेंसी भी, आफ्टर प्रेगनेंसी भी, एनी टाइम इट इज सेफ, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू इन एनी। जब हमारे माइंड को भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी होते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस भी होते हैं, सब तरह से एक्सरसाइज कराते हैं योगा में। जिम ज्वाइन कर सकते हो, सेम एक्सरसाइज यू कैन कंटिन्यू, इवन रनिंग या जो भी आप करते हो वो सब भी कर सकते हो, मना नहीं है। और मैम बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं? बिहेवियर ये है कि नींद ठीक टाइम से लें आप और अपना जो काम करना है बहुत हैवी वर्क नहीं करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नॉट बिफोर प्रेगनेंसी, अदरवाइज बिहेवियर चेंजेस और कुछ नहीं है। जैसे आप अगर कोई अल्कोहलिक है और स्मोकिंग करते हैं तो वो सब आपको बंद करना पड़ेगा, सब्सटेंस अब्यूज है वो सब बंद करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें बच्चे में प्रॉब्लम आती है। तो मैम स्टार्टिंग में बात की थी कि जो फीमेल्स है, जो वुड बी मदर्स है, उनको टेस्ट कराने जरूरी है ताकि जो चीज़ें उनको है डिजीज वो ठीक हो जाए और आगे के लिए भी डिटेक्ट हो जाए। तो मैम जो पार्टनर होते हैं, जो हस्बैंड है या जो पार्टनर है, उनके लिए भी कुछ टेस्ट जरूरी है? पार्टनर के लिए भी जरूरी है, फीमेल्स में भी। जैसे हम एक बात कहना जैसे रह गया कि उनको इम्यूनाइजेशन हेपेटाइटिस के लिए इम्यूनाइजेशन या रुबेला के लिए वैक्सीनेटेड अगर नहीं है तो उसके एंटीबॉडी लेवल चेक करके रुबेला के लिए वैक्सीनेट कर सकते हैं, उसमें फिर थोड़ा गैप देके प्रेगनेंसी कर सकते हो। और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कर सकते हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग में, सर्विक्स एक LBC टेस्ट होता है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, या वो टेस्ट करा सकते हैं आप जिसमें पिकअप हो जाए कि कोई मेलिग्नेंसी या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स तो नहीं है। सिमिलरली पार्टनर में भी ऐसे सारे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए टेस्ट कर लेते हैं, या फिर हस्बैंड स्मोकर है तो वाइफ पैसिव स्मोकर हो जाएगी तो उसको भी एक्सपोजर रहेगा स्मोकिंग का उतना ही, तो वो उसको थोड़ा सा एडवाइस कर सकते हो। कोई इन्फेक्शन हस्बैंड में तो नहीं है वो सब चेक कर सकते हैं, अल्कोहलिक तो नहीं है तो ये HIV टेस्ट भी करा सकते हो प्री प्रेगनेंसी, ये सब मतलब कर सकते हो। जो भी हस्बैंड में प्रॉब्लम है, डिजीज है, स्मोकिंग का आपने बहुत अच्छा बनाया, अगर अगर हस्बैंड स्मोकर है तो वो उसकी वाइफ को भी इफेक्ट कर सकता है, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना है उसके रोका जाए। कुछ चीजें ऐसी भी होती होंगी जिसे हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी से पहले, वो कौन सी चीजें हैं? प्रेगनेंसी से पहले मेनली तो हम ये स्मोकिंग एडवाइस करते हैं फॉर द फीमेल, इफ शी इज अ स्मोकर और शी इज एन अल्कोहलिक या कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं ये सब तो एब्सोल्युटली नो है। अदरवाइज कोई दवाइयां होती हैं जैसे मीथोट्रेक्सेट है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स हम देते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीजेस, वो भी बंद करने होते हैं प्रेगनेंसी से पहले अगर डिजीज रिमिशन में है तो। कोई कैटेगरी एक्स ड्रग्स होती हैं, मतलब दोज हु आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसीज, इफ शी इज टेकिंग दोज ड्रग्स फॉर सम रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हर डिजीज, तो उसको अपनी डिजीज पहले देखनी है प्रेगनेंसी के लिए बाद में प्लान करना है, ये सब चीजें एब्सोल्युटली। रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं या एक्सरेज वगैरह होते हैं तो वो आपको पहले से प्लान करना चाहिए कि उस एरिया में ना जाएं या अपना ड्यूटी थोड़ा चेंज कर लें। तो जैसे अल्कोहल से बचना है, ड्रग्स से बचना है, और कुछ ड्रग्स अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं एक समय पे आप डॉक्टर के पास जाएं और पूछें कि वो ले सकते हैं बिकॉज क्योंकि आप प्रेगनेंसी अपनी प्लान कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें रेडिएशन का मैम ने बताया कि अगर हम किसी भी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां एक्सरे रेडिएशन या मैम इसमें और भी रेडिएशन आएंगे, न्यूक्लियर आइसोटोप जो देते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में टेस्ट होते रहते हैं पेट स्कैन वगैरह, वो सब भी एक्सपोजर उन सब जगह पे अवॉइड करना चाहिए, बहुत सारी जगहों से एक्सपोजर अवॉइड करना है हमने, और अपनी सेहत का ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल में अच्छे चेंजेस लेके आने हैं, एक हेल्दी फिट लाइफ जीनी है ताकि हमारे जो आपका आने वाला बच्चा है उसको भी एक हेल्दी और फिट लाइफ मिले। तो मैम जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए एक फाइनल मैसेज ये है कि कुंडली मिलाने से पहले शादी से ये डिजीजेज रूल आउट करना ज्यादा जरूरी है, ब्लड ग्रुपिंग, थैलेसीमिया जो हमने शुरू में बात करी, और मदर को अगर कोई बीमारी है ट्रीटमेंट ले रही है तो उसको बंद करके प्रेगनेंसी नहीं करना है, वो जब कंट्रोल में हो डॉक्टर सलाह दे दे कि आप कर सकते हो, कोई भी डिजीज के लिए बीमारी के लिए कोई दवाई आप ले रहे हो तो सेफ भी होती है या हम चेंज कर सकते हैं वो सब पता करके फिर लेना है। और हस्बैंड को भी अगर कुछ डिजीज है तो वो छुपानी नहीं है, और खुद की भी जो डिजीज है आके बतानी है ताकि हम उसका इलाज कर सकें और हेल्दी बेबी आपको मिले। तो बहुत अच्छी तरीके से मैम ने बताया कि बहुत पंडित के जाने से पहले, अपने ग्रह मिलाने से पहले वो ज़रूरी है, अगर आप उसको मानते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, बट ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो मेडिकल कंडीशन है उसका ध्यान रखें, उसके बारे में पूछें, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करें।